के आसपास। गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस समय हम लोग माल देवता से करीब 8 किलोमीटर अंदर हैं और इस समय ट्रैकिंग करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ एक झील है, तो इस झील पे हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं झील कैसा है। तो हमारी 4 लोगों की टीम है, 4 लोग हम लोग जा रहे हैं और आगे का व्यू हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। 4 लोगों की टीम है जिसमें से 2 लोगों में हमेशा झगड़ा हो रहा है। नहीं मिला तो उठा के नीचे खाई में फेंक देंगे। क्योंकि बड़ी मेहनत करके वहाँ नीचे दिखाना, बहुत दूर से आ रहे हैं, सांस फूलने लगी है। ये पूरा वहाँ से ट्रैकिंग हो रही है, ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, नीचे नदी बह रही है। इस समय हालांकि सूख चुकी है, बह क्या रही है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे हैं नहाने के लिए। यहाँ पे एक गाना याद आया, सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, ठीक है ना। तो इससे पता लगता है ये कहानी सच है और पानी ही जिंदगानी है। बिल्कुल। दोस्तों ये बहुत दुर्गम रास्ता ये भी है। अगर हम बात करें बारिश में यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, और इसमें आयरन कितना ज्यादा है, सारे पत्थर ब्लैक है। देखो इधर दिखाओ पत्थर, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। आइए आगे चलते हैं, अभी रास्ता काफी लंबा है। अमित हम लोग कौन से गांव में हैं? गांव का नाम पता है? इधर देखो एक मिनट यार, गाइड में तो आओ। गांव का नाम पता है आपको? नहीं। चलो ठीक है। आपने देखा नहीं ऊपर कितने आयरन पत्थर में पाए जाते हैं, ब्लैक ब्लैक। आयरन बहुत ज्यादा है हम पत्थरों में। मुझे लगता है ना, एक टाइम अब की बारिश जो है काफी लेट होने की वजह से नदियों में पानी बहुत कम है और शायद जो मानसून है वो 17 जून के बाद है, 17 जून 2022। ये देखिए यहाँ पे पानी का फ्लो है थोड़ा सा, जो कि जा रहा है सिंचाई वगैरह के काम होते हैं इससे। देखो यहाँ की पक्की नालियाँ कितनी अच्छी होती हैं पहाड़ों में। देखिए व्यू, ये भैया इंसानों ने बनाया पत्थर जोड़ जोड़ के, बहुत टाइम लगा होगा इसे बनाने में, पता नहीं क्या लिखा पागल। दोस्तों ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है रियली।
आप आएंगे जरूर, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो गाइस, हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं झरने के, ऐसा लग रहा है देख के, क्योंकि बहुत से लोग नहा रहे हैं सामने और जो है पानी की कलकल छलछल भी सुनाई दे रही है। ओह माय गॉड, बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। और बताइए। बस ये नई जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर किया आज, और यहाँ पर ट्रैकिंग करके हम लोग वहाँ टारगेट तक पहुँच रहे हैं। और ये फॉल है, वाटरफॉल, अभी वहाँ से दिखा देंगे। वाटरफॉल है और यहाँ पे लोग नहाने आते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी जगह है रियली। हालांकि ये पहाड़ों के अंदर है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोगों को पता ही है पानी कहाँ से आ रहा है। और रास्ते भी बने हुए हैं पतले पतले से, गाँव वालों ने पत्थर रख रख के बना रखे हैं। और ये बहुत प्यारी सी पुलिया बन रखी है बीच में। ये देखिए रास्ते के किनारे किनारे जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं पत्थरों का, कितना टाइम लगा होगा ना? बहुत। और ये नीचे रास्ते भी देखो पत्थरों के, कितने खूबसूरत बने हैं एकदम एक लेयर से। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रास्ते बने हैं। गाड़ियां नहीं आ पाती, बहुत नैरो रास्ता है। वाटरफॉल आ गया है, आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल। इंसान जहाँ जहाँ पहुँचा खूबसूरती वहाँ वहाँ की गायब हो गई। यहाँ के कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता इस स्थान का नाम क्या। जगह का नाम तो थोड़ा सा अननोन है भाई, है ना, जानने में नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, घाटियों में चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है। बहुत ही अच्छा नेचुरल व्यू है। अमित कहाँ गए? चलो आओ, कहीं जगह बनाते हैं फिर हम लोग भी नहाने का। तो गाइज़ बस इतना सा हमें आपको ये व्यू दिखाना था पूरा, जो एक नज़ारा है, ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पे। और इस समय करीब 4-5 बज रहे हैं शाम के, और अब चल रहे हैं हम लोग इसमें छलांग लगाने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टूर पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।